हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीति ब्लॉग एंड हैक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फ्रेंड्स कोई ब्लॉग नहीं लेकर आई, आज मैं आपके लिए कुछ हैक्स लेकर आई हूँ, टिप्स लेकर आई हूँ। तो आप देखिएगा, बताइएगा आपको मेरी टिप्स कैसे लगे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और जिससे कि नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं, और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो फ्रेंड, मेरी टिप्स है ये सूजी को लेकर। अक्सर ऐसा होता है कि हम सूजी को ना घर में ले आते हैं, बहुत सारी स्टोर हो जाती है सूजी, और ज़्यादा दिन तक रखी जाती है तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, हमारी सूजी ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे कि आप सूजी कितने भी आकर घर में ला कर स्टोर कर लीजिए, आपकी सूजी ख़राब नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो हमने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में हमने डाला है घी। तो घी डाल दिया है हमने, अब उसमें हम ये सूजी को ऐड कर दें और इसे 5 मिनट तक भून लेंगे। मतलब हमें बिल्कुल नहीं, ब्राउन कलर नहीं लाना है इसका, हल्का सा हमें कलर चेंज करना है बस इसको, और थोड़ा सा ही इसे भूनेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा उतना ही हमें इसे भूनना है। और फिर आप कितनी भी सूजी ले आइए और आप स्टोर करके रख लीजिए घर में, आपकी सूजी ख़राब नहीं होगी और आपकी सूजी बिल्कुल वैसे की वैसी अच्छी बनी रहेगी। तो ये मेरी सूजी को लेके टिप है, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो फ्रेंड, मेरी ये वाली हैक्स है अपने हाथ में दर्द के लिए। अगर जैसे हमारे हाथ में, पैरों में कहीं भी दर्द होता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए मेरे ना कई दिनों से इस वाले हाथ में दर्द हो रहा था मेरी बेटी के, तो देखिए मैंने कैसी ट्रिक लगाई कि उसका दर्द बिल्कुल गायब हो गया। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो देखिए मैंने ये मूव ले लिया है और मुझे इसके यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी इस तरीके से। तो अच्छे तरीके से मैंने मल दिया है, और देखिए अब मैं क्या लगाऊंगी इस पर जिससे कि हमारा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और वैसे तो गर्म पट्टी लगा लेते हैं, पर आपके घर में अगर गर्म पट्टी ना हो तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर गर्म पट्टी ना हो तो आपको क्या लगाना चाहिए जिससे आपका हाथ का दर्द या पैर का दर्द ठीक हो जाए। तो यह है ये हमारा सिल्वर फॉइल जो हर किसी के किचन में मिल ही जाता है आसानी से, तो हम इसे ले लेंगे और ये हाथ इस पे रखकर ये देखिए मैंने इसे निकाल के इस तरीके से हाथ को रैप कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से रैप करेंगे तो हमारे जो हाथ में दर्द होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही इजी तरीका है, और क्योंकि वैसे तो डॉक्टर बताते हैं कि हमें गर्म पट्टी बांध देनी चाहिए, मगर अगर आपके घर में गर्म पट्टी नहीं है तो बहुत ही इजी तरीका है आपको अपने दर्द को रैप करने का। तो आप इस तरीके से अपने हाथ पे, पैरों पे, कहीं पे भी ये किसी इस तरीके से सिल्वर फॉइल को रैप कर सकते हो, आपका दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो बताइएगा आपको मेरी ये वाली टिप्स कैसी लगी।